ब्रॉट टू यू बाय ZX कॉफ सिरप। एक्सेड नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। बारिश न हुई भोज की बुनिया हो गई है, आ भी रही है तो थोड़ी थोड़ी आ रही है, किसी के प्लेट में आ रही है और किसी के प्लेट में नहीं भी आ रही। हालात तो उत्तर प्रदेश में ऐसा ही चल रहा है, बारिश हो तो रही है लेकिन सबको बराबर नहीं मिल रही है, किसी को मिल रही है तो वो भी थोड़ी मिल रही है और किसी के प्लेट में बिल्कुल मामला साफ है। और स्थिति पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में लगभग यही स्थिति है। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं बारिश हुई है और कहीं कहीं सूखा है। पूर्वांचल मुख्य तौर पर सूखा ही झेल रहा है, बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई पूर्वांचल में। हालांकि बीते दिनों एक हफ्ते में कहीं कहीं पैचेज में बारिश हुई है और बुंदेलखंड की स्थिति भी लगभग यही लग रही है। हालांकि मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में बारिश हुई है। कुल मिलाकर किसान परेशान है और सवाल यह है कि भाई साहब, जब 15 अगस्त को पूरी देश आजादी मना रहा होगा तो किसानों के खेतों में आजाद बूंदे पड़ेंगी? तो इसका जवाब दिया है मौसम विभाग ने। ये नक्शा देख सकते हैं आप, मौसम विभाग के मुताबिक बिल्कुल सब कुछ हरा हरा है। ये हरा हरा किसानों के लिए हरा हरा नहीं है, क्योंकि कोई वार्निंग मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए जारी नहीं किया है और ये ऐसा लग रहा है कि बारिश की संभावना कम लगती है। हालांकि लखनऊ का मौसम विभाग ये बताता है कि 15 तारीख को पश्चिम यूपी में बहुत हल्की बारिश होगी, गरज बरज हो सकती है, बहुत अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि पूर्वांचल में थोड़ी सी अच्छी बारिश की संभावना है, तो जो बारिश होगी वो पूर्वांचल या बुंदेलखंड में ही हो सकती है। कुछ जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है और ये येलो अलर्ट 15 तारीख के लिए पूर्वांचल और मुख्य तौर पर बुंदेलखंड के जिलों के लिए जारी किए गए हैं। तो हम बात करें कि जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, उनमें नाम है बांदा, चित्रकूट, कौसाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, फरुखाबाद, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नीचे की बेल्ट जो यूपी का है, जो मध्य प्रदेश बिहार सटा हुआ बॉर्डर है, जो पूर्वांचल है, वहाँ हल्की बारिश की संभावना है। और थोड़ा सा अगर आप बात करेंगे आलू बेल्ट में भी बारिश हो सकती है, लेकिन जैसा हमने आपको कहा कि भाई साहब, बारिश ना हुई बुनिया हो गई है, थोड़ी थोड़ी मिल रही है और किसी किसी का प्लेट खाली है और हालात किसान के लिए बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि बिना बारिश के धान की खेती बहुत मुश्किल है और खासकर पूर्वांचल के किसान बहुत परेशान है। तो क्या आपके इलाके में बारिश हो रही है, कैसा मौसम है, क्योंकि उमस खूब है, हर जगह उमस है, लेकिन इस उमस का परिणाम बारिश में तब्दील नहीं हो रहा। तो क्या आपके यहाँ भी उमस है और बारिश नहीं हो रही? अगर ऐसा हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।